हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 23 ऑफ करेंट अफेयर्स रिलेटेड टू पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। एंड आज का टॉपिक है आपका ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट्स 2019। तो 2019 में एक रिपोर्ट आई है जिसको हम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, और ये लॉन्च की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये हर साल ग्लोबल रिस्क की रिपोर्ट देता है, और 2019 की रिपोर्ट इनकी आ गई है। तो इन्होंने बताए हैं, कुछ रिस्क इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, और इन्होंने बोला है कि 2019 के सबसे बड़े जो रिस्क हैं वो ये रिस्क हैं। तो बेसिकली पीपल एंड एनवायरमेंट का जो सेक्शन है, इसमें हम जो एनवायरमेंट से रिलेटेड रिस्क हैं उनको हम कवर करेंगे। मतलब इस पूरी रिपोर्ट में जो बेसिक जितने रिस्क बताए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, और जो मेन रिस्क है, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड रिस्क है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट क्या है। द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दैट इज WEF, डिस्क्राइब्स चेंजेस अकरिंग इन द ग्लोबल रिस्क लैंडस्केप्स फ्रॉम ईयर टू ईयर, आइडेंटिफाइज ग्लोबल कैटास्ट्रॉफिक रिस्क। तो इन्होंने बेसिकली जो चेंजेस हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, जो चेंजेस हो रहे हैं वो इन्होंने देखे हैं, जो भी ईयर बाय ईयर ये चेंजेस हो रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कि इस साल 2019 में सबसे बड़े जो ग्लोबल कैटास्ट्रॉफिक रिस्क हैं, जो सबसे ज़्यादा हैजार्डियस रिस्क हैं, वो कौन से हैं। द रिपोर्ट ऑल्सो एग्जामिन्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ रिस्क एंड कंसीडर हाउ द स्ट्रेटजीज फॉर द मिटिगेशन ऑफ ग्लोबल रिस्क माइट बी स्ट्रक्चर्ड। तो इन्होंने ये भी डिफाइन किया है कि किस तरीके से ये जो रिस्क है आपस में कनेक्टेड है, और किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, इनको रिड्यूस कर सकते हैं, और किस तरीके से हम एक को अगर ध्यान रखेंगे तो उससे सारे रिस्क हमारे रिड्यूस होंगे। तो इन्होंने स्ट्रेटजीज भी बताई हैं जिस तरीके से हम इन रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है उनको स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं। तो ये इनकी बेसिकली ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है आपकी। द टॉप 5 रिस्क ट्रेंड आइडेंटिफाइड बाय द सर्वे आर चेंजिंग क्लाइमेट। तो अब ये देख लीजिए कौन कौन से रिस्क हैं। पहला जो है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के लिए, वो है चेंजिंग एनवायरमेंट और चेंजिंग क्लाइमेट। देन आपका है राइजिंग साइबर डिपेंडेंसी, इंक्रीजिंग पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी, राइजिंग इनकम एंड वेल्थ डिस्पैरिटी, एंड इंक्रीजिंग नेशनल सेंटीमेंट्स। तो ये इन्होंने टॉप फाइव रिस्क बताए हैं। पहला तो हो गया आपका चेंजिंग एनवायरमेंट, जो हमारा चेंज हो रहा है एनवायरमेंट का, या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो पहला रिस्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इन्होंने बोला है कि जो हमारी साइबर डिपेंडेंसी बढ़ रही है, ये हमारा दूसरा रिस्क है। उसके बाद तीसरा रिस्क इन्होंने बताया है कि जो सोसाइटीज़ का ध्रुवीकरण हो रहा है, जो पोलराइजेशन हो रहा है, ये भी हमारे रिस्क है। देन इन्होंने बताया है कि इनकम एंड वेल्थ की जो डिस्पैरिटी है, जो लोगों के बीच में गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये भी एक तरीके से हमारे लिए रिस्क है। देन इन्होंने बोला है जो नेशनल सेंटिमेंट्स हैं, लोग बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट हो रहे हैं, और जो नेशनल सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये भी एक तरीके से बहुत बड़ा हमारे लिए रिस्क बनता जा रहा है। फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट की बात करें अगर, कि रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग्स है, और एनवायरमेंट रिस्क रिलेटेड हम फाइंडिंग्स को डिस्कस करेंगे। तो रिपोर्ट काफ़ी बड़ी है, इसमें बहुत सारी फाइंडिंग्स हैं जो अलग अलग फैक्टर्स से रिलेटेड हैं। बट एज वी नो कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट चेंज से रिलेट करता है, एनवायरमेंट से रिलेट करता है, तो हम चेंजिंग क्लाइमेट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि एनवायरमेंट रिस्क से रिलेटेड क्या फाइंडिंग्स रिपोर्ट में बोली गई हैं। तो पहली जो आपकी फाइंडिंग है वो है द लिस्ट ऑफ बिगेस्ट रिस्क टू द लाइवलीहुड इज स्टॉप्ड बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज फ्लड्स, स्टॉर्म्स, फॉलोड बाय फेलियर ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। तो उन्होंने बोला है कि जो हमारा सबसे बड़ा रिस्क है, जो आज के लाइवलीहुड पे, जो हमारे जीवन पे सबसे बड़ा रिस्क है, वो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जैसे कि फ्लड्स आ जाते हैं अचानक से। अभी इस वक्त जिम्बाब्वे में फ्लड चल रही है बहुत ज़्यादा, मोजम्बिक का पूरा एरिया फ्लड से बहुत ज़्यादा ग्रसित है। तो इस तरीके से ये बोल रहे हैं कि जो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, जैसे अचानक से फ्लड आ गया, स्टॉर्म्स आ जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक बिगेस्ट रिस्क है। उसके बाद हमारा जो खुद का जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है, जो हम सब लोग आपस में बात करते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को कम करेंगे और हम इतना ज़्यादा सारे समझौते मानेंगे, ये वो, ये एक तरीके से फेलियर ही है। मतलब अभी तक कोई बहुत प्रॉपर कदम किसी ने नहीं उठाए हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि ये जो फेलियर आपका है, ये भी एक रिस्क है। मेजर नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी,
वॉल्केनिक इरप्शन एंड जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स। तो इन्होंने ये भी बोले कि जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, और जो भी जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते हैं, ये सारे ही नेचुरल डिजास्टर्स हैं जिनके लिए हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न होने चाहिए। और ये हमारे जो कंसर्न हैं, ये पूरे 2019 में भी हमारा कंसर्न उनकी तरफ रहता है, रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा मतलब रिस्क है 2019 का भी। नेक्स्ट इन्होंने बोला है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इज द लॉन्ग टर्म रिस्क दैट डिफाइंस द प्रेजेंट एज एंड फोर ऑफ टॉप फाइव मोस्ट इम्पैक्टफुल ग्लोबल रिस्क इन 2019 बीइंग रिलेटेड टू क्लाइमेट। तो इन्होंने ये बोला है कि चारों में से जो पांचों हैं उनमें से जो टॉप है वो आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, या जो एनवायरमेंट को हम इतनी ज़्यादा क्षति पहुँचा रहे हैं, इतनी ज़्यादा उसको ख़राब कर रहे हैं, वो जो हमारा रिस्क है, ये हमारा एक लॉन्ग टर्म रिस्क है और ये हमारा रिस्क रहेगा 2019 में भी। तो ये रिलेटेड टू क्लाइमेट है। द रिपोर्ट कॉल्स टू रिन्यू द आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन फॉर टैकलिंग द ग्लोबल ट्रेंड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रिस्क। तो बेसिकली इस रिपोर्ट ने ये भी बोला है कि जो हमारा इंटरनेशनल कॉपरेशन है, जो सारी कंट्रीज एक साथ आकर और एनवायरमेंट के लिए कुछ करना चाहती हैं या इन क्राइसिस के लिए, इन रिस्क के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो इनको अपने जो इनका जो आर्किटेक्चर है उसको रिन्यू करना पड़ेगा, मतलब नए सिरे से एक साथ आकर दोबारा से इनको नई पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, नए लेवल पर काम इनको करना पड़ेगा, और उसी से हमारा जो रिस्क है वो हमारा रिड्यूस होगा, चाहे वो इकोनॉमिक रिस्क हो चाहे वो ग्लोबल रिस्क हो। द रिपोर्ट प्रेसेस ऑन द नीड ऑफ कोऑर्डिनेटेड कंसर्टेड एक्शन टू सस्टेन ग्रोथ एंड टू टैकल द ग्रेव थ्रेट्स फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। तो रिपोर्ट ने ये भी बोला है कि हमें कोऑर्डिनेशन की नीड है, हमें ये नीड है कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करें और जो भी थ्रेट्स हैं, जो भी हम रिस्क फेस कर रहे हैं, उनको हम एक साथ आकर सॉल्व करें। तो ये आपकी टोटल रिपोर्ट थी, जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट्स है, जो रिस्क रिपोर्ट्स हैं आपकी, जो 2019 की रिपोर्ट है, ये आपकी जो फाइव टॉप रिस्क है उनके बारे में बता रही है और किस तरीके से हम उनको टैकल करने वाले हैं उसके बारे में बताती है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, keep on learning.